हे गाइस, सो फाइनली मैं आ गया हूँ सोलन के रेलवे स्टेशन, और 1:22 पे मेरी ट्रेन थी यहाँ से कालका के लिए। मुझे लगा शायद मैं लेट जाऊँगा, 1:22 पे ही मैं पहुँचा यहाँ पे डॉट, बट ट्रेन थोड़ी 5-7 मिनट लेट है। ये टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, शिमला से कालका तक चलती है, तो मैंने सोलन से कालका की करी है। कई सारे टनल्स आते हैं रास्ते में, उनमें से होके निकलती है ये। गाइस, यहाँ से ट्रेन अब आने वाली है, मैं हॉर्न की आवाज़ सुन सकता हूँ, और ये मुझे अपनी ट्रेन दिख गई। मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ। ये C3, ये वाला कोच है मेरा। गाइस, सोलन के बाद अगला स्टॉप होता है बड़ौक का, और बड़ौक की जो टनल है, ये वाली टनल है बड़ौक सुरंग, ये सबसे लंबी टनल है। और मैंने ऐसा सुना है कि जब ये टनल बन रही थी तो अंग्रेज लोग इस टनल को बना नहीं पा रहे थे, देन फिर यहाँ के एक लोकल ने उनकी हेल्प करी और इस टनल को बनवाई। ये मेरी ट्रेन है, वेट कर रही है अभी। यहाँ पे स्टॉपेज है बड़ौक में 10 मिनट का, पानी वगैरह सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है 7 या 8 मिनट तो हो चुके हैं, तो मुझे चलना चाहिए अपनी सीट पे इससे पहले कि ट्रेन चले। हालांकि इसकी स्पीड स्लो होती है, मैं दौड़ के भी पकड़ सकता हूँ टनल। गाइस, ये टनल स्टार्ट हो चुकी है और बहुत लंबी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये ट्रेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा, ये बाहर ज़्यादा बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं होगा, बंदा वो टनल पर टकरा सकता है। कभी कभी टनल चली रही है, इतनी लंबी है। ये टनल थी गाइस बड़ौक की, जो फाइनली ख़त्म हुई, बहुत लंबी। गाइस, ट्रेन अभी धर्मपुर में रुकी है और अभी भी 1 घंटा है यहाँ से कालका। अगर आप शिमला या सोलन या फिर धर्मपुर घूमने के लिए आए हैं तो आप टॉय ट्रेन कालका तक के लिए ले सकते हैं, इससे आपको टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ट्रेन चलने वाली है, हॉर्न दे दी है ट्रेन ने, झंडे भी दिख गई हरी।